राज कर रहे थे। 101 रानी थी राजा प्रथम के, लेकिन कोई संतान नहीं हुई। एक रोज ऋषि मुनियों को बुला करके और किस तरह से राजा प्रथम पूछ रहे थे क्या किस्से की कहानी आगे चलेगी। Yeah.
ब्रह्मचारी पंडित वहां पहुंच जाते हैं यज्ञ करने के लिए। आदरणीय ईश्वर सरपंच साहब, उनकी तरफ से 500 रुपए का पुरस्कार आया है, बार बार धन्यवाद करते हैं। साथियों, किस तरह से राजा प्रथम के 101 यज्ञ पूरे होते हैं और कैसे उन यज्ञों से एक नुक्सा निकल करके आता है, क्या बच्चे बताएंगे सुनिए। मलखान जी भांगरौला, उनकी तरफ से भी 100 रुपए का पुरस्कार है, बार बार धन्यवाद। चंदन प्रधान जी धानावास, उनकी तरफ से भी 500 रुपए का पुरस्कार आया है, बार बार धन्यवाद करते हैं। साथियों, जब 100 यज्ञ पूरे हुए तो ऋषि देव ने एक नुक्शा तैयार करके दे दिया कि जाइए महाराज, इस नुक्शे को अपनी रानी जो तुम्हारी पट रानी है मंझा, उसको जाकर के दीजिए, अवश्य ही तुम्हारे संतान होगी। किस तरह से राजा खुश होकर के चलते हैं और क्या किससे की कहानी आगे चलेगी। किशन होली वाले, उनकी तरफ से भी 100 रुपए का पुरस्कार आया है, ठेकेदार साहब। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद।